इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के गंगापुर सिटी से, जहां पर रोडवेज बस और कार के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है और इस घटना में चार दोस्तों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त अपनी पढ़ाई कर रहे थे और दीपावली के त्यौहार पर अपने घर आए थे दीपावली मनाने के लिए, लेकिन ऐसे में चारों दोस्त घूमने के लिए निकले थे और इसी दौरान इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है और चारों जनों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि कार में सवार दो जनों का जयपुर में रेफर कर दिया है जहाँ पर इलाज चल रहा है। पूरा मामला है जो दोपहर 12:30 बजे जयपुर गंगापुर स्टेट हाईवे 11 HB पर गंगापुर सिटी के बामनवास के पास का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है और हाईवे को जाम कर दिया गया और दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतारें लग गई। समझाइश के बाद शाम 4-5 बजे के आसपास ही जाम को खुलवा दिया गया और बामनवास डिप्टी संतराम मीणा ने बताया कि दोपहर 2 डिपो की एक रोडवेज बस तेज रफ्तार से जयपुर से गंगापुर की ओर आ रही थी और कार में खेडली और नागरहेड़ा गांव के 6 युवक पिपलाई की ओर जा रहे थे, तभी एकाएक इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है, जिसके बाद इस मामले का खुलासा होने के बाद हाईवे पर जाम कर दिया गया और बताया जा रहा है कि दीपावली के त्यौहार पर ही एक साथ 4 जनों को मृत घोषित करने के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय